आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार, अपन विशेषमे स्वागत अछि। पछिला राजनीतिक घटनाक्रमके बात करी तऽ काल्हि विभिन्न ठाउँमे संविधान दिवस मनाओल गेलै, मुदा प्रदेश नम्बर 2 सहितके मधेशके जिलामे कार्य दिवस मनाओल गेलै, विरोध सभा सब आयोजन कयल गेलै। दोसर दिस देखल जाए तऽ जे एकटा पक्ष छै से देशमे सब मधेश अलग हुअके चाही माँग राखि कऽ आंदोलन कऽ रहल छै डॉक्टर सीके राउत, ओकर किछु बेसी एहिजा जमघट देखल गेलैए। काल्हि ओ मजासँ अपन मन्तव्य राखि कऽ सेहो गेलखिन। अखनका राजनीतिक घटनाक्रम केना कऽ आगाँ बढ़ि रहल छै, आइ एहि सन्दर्भमे बातचीत करऽ जा रहल छी। एकर लेल आइ स्टूडियोमे बजौने छियै एकटा युवा नेताके, युवा नेता कही, अधिकारकर्मी कही या राजनीतिकर्मी कही, हुनका बजौने छी युवाके पॉइंट ऑफ व्यूसँ अखनका राजनीतिक घटनाक्रम केना कऽ आगाँ बढ़ि रहल छै, एहि विषयमे बातचीत करऽ जा रहल छी। एकर लेल स्टूडियोमे बजौने छियै सुशील कर्णके। सबसँ पहिले हुनका स्वागत करै छी। कर्ण जी, स्वागत छै कार्यक्रममे। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। काल्हि मधेशमे विरोध दिवस, कार्य दिवस कही, काला दिवस कही, ब्लैकआउट सहितके कार्यक्रम कऽ कऽ मनाओल गेलै, ई कल्का सन्दर्भके पहिले जोड़ल जाए, केहन रहलै काल्हिके दिन? देखियौ, काल्हि वास्तविक एकटा देखबै तऽ एकटा नया राजनीतिके शुरुआतके रूपमे एहिठाम भेल छै जनकपुरमे। समग्र मधेशके जे एकटा तथ्य उल्टाके देखबै तऽ विगतमे मधेशवादी चरित्र जे कथित मधेशवादके रूपमे जे स्थापित भेल छै मधेश भीतरमे, ओकर चरित्र आओर अखन जाकर एकटा परिपक्व राजनीतिके रूपमे जे उभरि रहल छथि सीके राव, हुनकर दुनूके जे किछु भिन्नता छै, ओ भिन्नता कतऽ छै कि एहिसँ पहिने हम अहाँ देखने हेबै जे चलू जनकपुर भरू जनकपुरके नामपर जे कथित मधेशवादके जे लीडर सब छलै तत्कालीन अवस्थाके, ओ अहाँके जनकपुरमे सभा तऽ रखलकै मगर ओकर लीडरके रूपमे एक गोटाके स्थापित नहि रहै। मगर काल्हि एकटा नया चीजके परिमार्जन रूपमे देखा भेलैए जे सीके राउत जी एहिठाम घोषणो कयने छलै चलू जनकपुर भरू जनकपुर, आओर हुनकर कार्यकर्ताके भीतरमे अहाँके एकटा ऊर्जाके सहित उपस्थिति रहलै, आओर अपने सीके राउत जी आबि कऽ मजासँ भाषण दऽ के गेलखिन। आओर सबसे पॉइंटली बात ओतऽ की छै कि स्थिति ई छलै जे इएह चीज अगर कोनो मधेशवादी दल अगर कयने रहितै तऽ शायद बहुतेके बेटा कुरेती मरबा देने, घाइते कुरेती बनबा देने आओर बहुत दमन रहती भेल। मगर काल्हिके रूप एकटा देखलकै कि कुशल नेतृत्वके स्थापितके रूपमे सीके राउत करै, हालाँकि हम समर्थक नहि छी, हम हुनकर विचारसँ जो एकटा विखण्डनके रूप जे लेने छथिन अलग मधेशके, देशके स्थापनाके बात कऽ रहल छथिन, ताहिसँ हम सहमत नहि छी, मगर कुशल राजनीतिके रूपमे एकटा परिमार्जन परिचित भेलखिन हँ, स्थापित भेलखिन हँ, ताहिके हमसब सलाम करै छी, हुनका हम एहि चीजके समर्थन करै छी जे काल्हि एतेक शान्तिपूर्ण रूपसँ एतेक भीषण आन्दोलन एतेक नीक जकाँ ओ कयलखिन जेकि स्थापित भेलखिन। नेतृत्वमे जे विजन हुअके चाही जी नेता सबमे, तऽ ओ एकटा ओहन किसिमके हल्का अभियान जे होइ, जेना अपने कहबे कयलियै अभियान के बात अलग राखि देल जाए, आओर जे नेतृत्वके बात कयल जाए, एकटा राजनेतामे होवला गुणके बात कयल जाए, जेना अपने कहलियै सहज रूपमे ओ भाषण कऽ कऽ मजासँ आबि कऽ भाषण कऽ कऽ चलि गेलै, यद्यपि प्रहरी खोजैत रहि गेलै नहि, तऽ मतलब एकटा ओहन किसिमके राजनेता के आवश्यकता छै मधेशके? एकदम छै, एहि दुआरे जे शहादतसँ अहाँके सत्ता तक लगे बाटो सिर्फ मधेशवादी कथित मधेशवादी दल अहाँके अपने छै, हुनकर मकसद ई नहि रहै छै कि मधेशमे क्षति कम होइ, बल्कि ई मकसद रहै छै कि कतेक क्षति हेतै। अहाँ स्मरण करू जाहि समयमे मधेश आन्दोलन कनिक धीमे होइ छलै ओहि समयमे भारदक घेरऽके नामपर अहाँके शहादत भेल छलै महतोके, आओर तकर बाद एहिठाम जाकऽ फेर अहाँके उग्र आन्दोलनके रूपमे स्थापित भेलै। ओकर मकसद रहै छै कि शहादत जखने हेतै तखने आन्दोलन उग्र हेतै, ई नहि रहै छै कि मधेशके भीतरमे कोनो भी तरहके शहादतके जखन बात कयल जाए तऽ शहादत ई तऽ मधेशके नि दल चाहने होतै लेकिन अनपेक्षित घटना भेलै किसिमसँ, कहल जाए सबके आश्चर्य सेहो लगलै। आन दिनमे डॉक्टर सीके राउत निकलै छलै तऽ तुरन्त प्रहरी आबि कऽ पकड़ि कऽ लऽ जाइ छलै, पहुँचल छलै, मगर ओहिठाम छलै कि कार्यकर्ताके भीतरके ऊर्जा आओर समर्थक एतेक छलै जे प्रशासनके ओतऽ ताकत नहि पुगलै जे जाकऽ ओकर गिरफ्तमे लऽ सकै छलै। दोसर अवस्था की छै कि कुशल नेतृत्वके चलते कार्यकर्ता संयमित रहै छै। अपनेके विश्लेषण की छै, प्रशासन पकड़ नहि चाहलकै या प्रशासन पर भारी पड़ि गेलै डॉक्टर सिंह राउत?
प्रशासन पकड़े नहीं चाहल कि ते रूप में कतौ नहीं है द्वारा 10 दिन से खोजबीन कर प्रशासन मगर जा कर सी के राउत हर एक राज्य के अंग जो है तक फेलोअर कल के और वो स्थापित भेले राज्य एकदम भीषण दमन और ओकर पकड़ाव के लिए आई 10 दिन से योजना बनबे छले काले अहा के जनकपुर भीतर में अगर छोड़ देते न्यूट्रल तो शायद ये अवस्था नहीं रहती काले देखने अबे भयावक स्थिति छले जनकपुर भीतर में ओकरा बुझाई छले कोन आतंकवाद अथवा की भ रहल छै बाहर से लोग आ रहल छै की करते जनकपुर लूट लेते मगर भेले की तो हजारों कार्यकर्ता उपस्थिति भेले ऊर्जा के साथ अहा के जन प्रदर्शन भेले और शांतिपूर्ण रूप से ओ जन प्रदर्शन के विसर्जन तक लके गेले और व्यक्ति तक लग गेले स्वतंत्रता पूर्वक अहा के एकटा भाषण भी देलके मगर एकटा क्षति नहीं भेले सी के राउत अहाँ के पढ़ल लिखल व्यक्ति है अठा विद्वानी कर उनका स्थापित भेल छे कुशल नेतृत्व के स्थापित भेल छे यह चीज अगर कोनो मधेशवादी दल अगर कहने रहते तो शायद आई हम अहाँ कतौ ने कतौ शहादत रैली में रहती जनसभा में रहती एक टा पार्ट भेले दोसर पार्ट जब देखल जाए तो ई तो नहीं छै कि अगर सभा बड़का हेतै तो अगर प्रहरी दमन करा चाहो या प्रहरी गोलिए चलावा चाहो तब ओकरा कोई रोकते सेहो बात नहीं छै ओइजा मतलब काले के घटना के बात करी तो काल डॉक्टर सी के राउत मजा से अले भाषण करके सबसे पहले ने जी प्रहरी के ओइजा धन्यवाद देवे पड़ते एक संयमता अपने के प्रहरी हम सी के राउत के बेसी धन्यवाद देवे चाहबे अइ द्वारा जे हुनका प्रहरी के पार्ट से कर रहल छी नहीं हम पहिने सी के राउत के हुनका धन्यवाद देबे देबे मगर भेले की तो हुनकर कुशल नेतृत्व के स्थापित स्वरूप आगे कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ छले मगर कतौ एग्रेसिव नहीं छले कार्यकर्ता के क्लियर विजन छले कि हमर जन सहभागिता अथवा हमर जे प्लानिंग है उ सफल केना हेते ई नहीं छले जो हुनकर लीडर जे कहते से चीज हेते लीडर से पहिने छले कि कुशलता पूर्वक नगर परिक्रमा कह के रामानंद चौक पहुंचे के छे और तेकर बाद जाके एक संबोधन हेते आ संबोधन के बाद किछ करे के छे प्लानिंग बहुत नीक छले जी जबरदस्त प्लानिंग छले जी तो एक तो पहले प्लानिंग के बात एक जखन सभा होय छले तो जेना हम पहिलो कहलिए प्रहरी के संयमता जी जे कहिए प्रहरी भले मतलब तखन जना अपने कहलिए कि प्रहरी ओइजा प्रशासन भारी नहीं पड़ल सी के राउत पड़ते मतलब सी के राउत भारी पड़ गए तो ऊ अपन ठाव में छे अगर प्रहरी संयमता घुमेती तब या कहीं प्रहरी आब संयम हो लगल ईट के जवाब पत्थर के रूप में एक लियो राज्य काल्हि दमन के पक्ष में छले और पूर्व में जते आंदोलन सब में दमन के पक्ष में छले मगर छै कि तऽ काल जनसहभागिता एकटा देखलके जनसहभागिता दू तरह के छलै काल के अगर मूल्यांकन करिए तऽ एकटा जनसहभागिता छलै जे सत्तारूढ़ दल के जनसहभागिता जन प्रदर्शन छलै और दोसर जन प्रदर्शन छलै विद्रोही के अलगावादी सोच के जेकि समर्थन हमसब नहीं करै छी अलगावादी सोच के मगर हुनकर विजन काल के जे प्लानिंग छलै ताहि के हमसब समर्थन करै छी उपस्थिति के रूप में देखबै तऽ काल जे संख्यात्मक रूप से अहाँ के विराटनगर वीरगंज अथवा की कहै छै कि हेठौरा तक लगे पुलिस प्रशासन के जनकपुर में लाइव के खटेने चले जे कम से कम एक कार्यक्रम बिथोलल जाए मगर राज्य ओत नाकाम रहले ओकर एक चीज चले कि अलगावादी सोच या राज्य में एक किस्म के कहल जाए कहला कि तीन बेर आंदोलन भ चुकल जी 117 आदमी के मृत्यु भ चुकल छै ने जी हजारों आदमी घायल छै हजारों पे मतलब राज्य कतौ ने कतौ आब ई चाहै छै से आब मानवीय क्षति नै हुए जी से चाहे छे एकटा ओहो एकर परिणाम छे कि राज्य आब कतौ ने कतौ एकटा जे लोकतंत्र होइ छे ने लोकतंत्र के परिभाषित करल छे कि वास्तव में लोकतंत्र ई हुवक चाहिए कि केओ अपन बात राख सकैए ओकरा पर दमन नहीं करबाक चाही त कतौ ने कतौ राज्य ई संयमता अपना रहल छे नहीं एहि चीज से हम सहमत नहीं छी एहि दुआरे जे काल्हि अगर राज्य से अगर संयमता अपनाबे के पक्ष में रहते तो शायद हजारों के संख्या में पुलिस नहीं घेरने रहते 12 बीघा के और ओत किछु नहीं मान के चलू लोकतंत्र में अहाँ बाजह से वंचित कर देबे कते बड़का दुर्भाग्य छे देश में गणतंत्र स्थापित भ चुकल छे संहिता लागू भ चुकल छे आ तत अहाँ पर प्रहरी परिचालन परिचालन क के हर अंग के संचालन क के एकटा व्यक्ति के गिरफ्तारी के लेल अहाँ एते बड़का षड्यंत्र कर रहल छे कि लोकतंत्र बाजे के अधिकार नहीं छे अपन पक्ष राखे के अधिकार नहीं छे एहिठाम जखन तक मधेशवादी दल कथित रूप से एहिठाम ठगित रहते मधेशी जनता के तखन तक एएनएमसी के राउत हजारों निकलते अलगावादी सोच अहाँ के मधेशवादी दल के तरफ से आबि रहल छै आब क्योंकि मधेशवाद के नाम पर जे अहाँ वोट लै छियै शहादत दियबै छियै ओकर ओहि रास्ता से शहादत के रास्ता से सत्ता तक पहुंचे छियै और बाद में जाके की करै छियै कोई सत्ता में जाकर आत्मविसर्जन करै छियै आत्म समर्पण क के दै छियै अहाँ के मधेशी जनता के अधिकार छोटा अध्यक्ष जीत गेला से या उपेंद्र यादव जीत गेला से अधिकार संपन्न नहीं हेतै तो एक भले सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबकी संपन्न भले ओहो अपन बात रख गेले प्रशासनो अपन चुपचाप रहले सहज रूप में सब किछु भले शांत रहले मधेश ने एकटा ई बात भेलै जँ अभिव्यक्ति के बात करिए तो डॉक्टर सी के राउत के अधिकांश जो अभिव्यक्ति के बात करिए तो
प्रदेश नंबर दू के सरकार नालायक, प्रदेश नंबर दू के सरकार दलाल, एहन किस्म के हुनकर अभिव्यक्ति अलै। आ प्रदेश नंबर दू प्रति के आक्रोश डॉक्टर सीके राव से जो कैल गए ओहि पर अपने के प्रतिक्रिया की छे, एहन आक्रोश किया? देखियौ बार बार कहबे चीज के कि हम समर्थन नहीं छे जी, हम समर्थन नहीं, न समर्थक छे न समर्थन करे छे, मगर सीके राव जी उहे बजे छे जे वास्तविक मधेश भीतर के भावना छे। अहाँ के देखने हेबे कि शुरू से लेकर अखन तक जखन जखन मधेश अधिकार के बात अबे छे तो ई सब शहादत तरफ लए जाय छे और जीते छे, चुनाव जीते छे, बहिष्कार करे छे, चुनाव में जाय छे और तेकर बाद के अधिकार के बात अबे छे तो आत्मसमर्पण करे छे। मतलब सरकार के नहीं कि मतलब मधेश के दल के सेहो ओ चेतावनी देलन नहीं, हुनकर वास्तविक हुनकर आवाज एकटा आम मधेशी जन समुदाय के आवाज छै। सीके राव जे काल अहाँ के दू नंबर प्रदेश के सरकार के केन्द्रित क के व्यक्ति देने छथिन तैके हम समर्थन करै छी, ओहि चीज हमहूँ सब समर्थन करै छी कि वास्तविक अखन जातिवाद परिवारवाद लगाइत के अहाँ के ओहि से ऊपर मधेशवाद नहीं उठल छै। अहाँ के कईटा शहीद परिवार के अखन तक संसद भवन में देख रहा छी, सिवाय एकटा मोतरी के जो चौधरी परिवार से बाबा और पोता मरल छै तेकरा सिवा देखाओ तो एकटा समानुपातिक में अहाँ अनिल झा के घर वाली जाकर राइट मिले छे, निर्जला राउत के की लगानी छे राजनीति में से कहू तो, अथवा मान के चलू एहन बहुत दर्जनों व्यक्ति छे जत शहीद के अहाँ कहै छी कि मतलब मधेश आंदोलन करू, मधेश के अधिकार नहीं भेटले, अधिकार केना भेटतै? सैकड़ों के संख्या में अहाँ के मुदा लागल ये, हजारों के संख्या में अहाँ के घाइते भेलिए और सैकड़ों के दर्जनों के संख्या में शहादत भेलिए। क्षति मात्रे करलकै एकदम मधेशवादी दल, कथित मधेशवादी दल क्षति नहीं करबे के मधेश के भावना के साथ खेलवाड़ कहने छे और अखन तक उ सिर्फ मधेश के ठकने छे, मधेश के नाम पर वो अपने आप के ठेकेदारी प्रथा लागू कर रहा छे, ओकरा लाग रहा छे कि हम मधेश के ठेकेदार छी, वो विदेशी फंड अथवा विदेशी इशारा से उस प्रचालित छे, ओकर अपन बिजनेस नहीं छे, वो रिमोट कंट्रोल के सरकार अखन दू नंबर प्रदेश में चल रहा छे जे कि ओकर छिमेकी देश होय अथवा ओकर धात्री निकाय किछ मुल्क सब छे से ओकरा जे कह रहल छे तही सारा से चल रहल छे, ओकर अपन किछ बिजनेस नहीं छे। लेकिन ई ना विजन आउ चीज के नकार नहीं जा सकैए, देश के नि दल के नेतृत्व में आइ जतेक उपलब्धि हासिल भेलै या हम यहाँ जे बाइज रहल छी ने जी, त मधेश के नि दल के नेतृत्व के कारण त हम अहा एहन बाइज रहल छी, आइ बाज सक रहल छी, आइ प्रदेश बनले संघीयता एलै नहीं, सिर्फ मधेश के नेतृत्व दल नहीं, 10 वर्ष से जन युद्ध माओवादी के 10 वर्ष से जन युद्ध नहीं होते और तकर बाद खेती भेले आंदोलन नहीं होते, खेती भले खेती के तुलना में उपलब्धि कम भेले से कह रहल छी या उपलब्धिये नहीं भेले से कह रहल छी, मतलब अपने के धारणा की छै विषय मधेशवादी दल के पाछू राख के जनता अहाँ के अधिकार प्राप्ति संघर्ष तक केल के, मगर ओकर संस्थागत मधेशवादी दल नहीं बुझ रहल, नहीं कर सकल, भावना नहीं बुझ रहल, क्षति अधिक भेले उपलब्धि कम भी कम भेल छै और निरंतर भ रहल छै, सिर्फ मधेश के भावना के साथ खेलवाड़ क के सत्ता तक पहुंचल छै, ओहि के बाद जाके संस्थागत अधिकार केना संस्थागत हेतै ताहि पक्ष में मधेशवाद क्लियर नहीं छै, न मधेशवादी नेता क्लियर छै न कथित मधेशवाद एकर सबके क्लियर छै, कारण छै दोसर दिस सीके राव के बात करै, सीके राव प्लानिंग में सब चल रहल छै, 22 जिला के मधेश कहबै कि 8 जिला के मधेश कहबै, सबसे अहम प्रश्न छै कि 22 जिला से अहाँ 8 जिला में केन्द्रित कऽ देलियै, दोसर की छै कि अपन भाषा छोड़ि के अहाँ हिन्दीत्व लागू कऽ रहल छियै जे हिन्दी बाजि रहल छियै, अहाँ संसद भवन में देखियौ कि मुख्यमंत्री एहन व्यक्ति जाकर सभामुख जाकर हिंदी बजै छै कि अपन मैथिली भोजपुरी नहीं बाजि सकिए, प्रतिनिधित्व नहीं कऽ सकिए, कहै छै संसार में कतौ भी पहचान होइ छै व्यक्ति के तऽ ओकर भाषा से होइ छै, एकटा इतिहास स्मरण करियौ रामायण में देने छै कि जै समय में सीता जी से हनुमान जी भेट गेल छलै तो श्री रामचंद्र जी के देल औंठी हुनका जे प्रस्तुत केलकै तखनो सीता जी के विश्वास नहीं भेल कि भऽ सके डुप्लीकेट औंठी लाके कोई रावण अपन षड्यंत्र कयने कि, तो हुनका साथे या मैथिल भाषा में संवाद भेल छै या मैथिल भाषा बाजल गेल कि उनका बुझल है हमर नैहर के भाषा है, लेकिन आज देखियो महेश के दल पर अपने के बहुत आक्रोश है, जना अपने युवा नेता छिए अपने के जो बात करी तो पहले राजपा में सीओ छले अपने खुद महेश के दल से आयल छले जी, ऐसे पहले दोसर पार्टी में छलिए तो मतलब विभिन्न पार्टी अपने परिवर्तन सेहो केलिए तो मतलब अखन खास करी तो अखन कोनो पार्टी में छी अपने? सर हम शुरुआती से माओवादी छली जी, माओवादी से लाइक कऽ माओवादी जते विखंडन भेलै तब हम सब वैध समूह में रही, वैध समूह के क्लियर विजन छलै मधेश आंदोलन में सहयोग करय के लेल और सहभागिता जनाबे के लेल, हम सब वही तरह के वही तरह में मधेश आंदोलन में छली निरंतर, हमरा श्रावण 4 गते ये व्यापार संघ के आगू में संविधान के संकलन समिति जायल छले, संविधान मस्यौदा संकलन समिति, तई में हमरा पुलिस द्वारा प्रहार भेल, हम गंभीर घायल भ के काठमांडू उपचार करा के 19 दिन के बाद जनकपुर अयली और तेकर कनिके दिन के बाद माघ 1 गत्ते विवाह पंचमी के दिन पुष माघ हाँ माघ 1 गत्ते विवाह पंचमी के दिन विद्या देवी भंडारी आयल रहे तो हमरा अखनो झूठा मुदा के शिकार छी और हम तारीख पर छी, हमरा आक्रोश किया नहीं निकल से कहूँ, मारि खाइबेर में हम सब मुदा खेपबेर में हम सब
शहादत देवे में दर्जनों व्यक्ति और सत्ता के उपलब्धि ककरा भ रहा है, मधेश के भावना कत जा रहा है, मधेश के साथ अन्याय के कर रहा है, मधेश के सेवक चाहिए शासक नहीं चाहिए, शासक अढ़ाई सौ साल से देखत आयल मगर सेवक नहीं भेट रहा है। अपने के आभास भेले तो आप अपने राजा पर छोड़ दिलिए जी एकदम जब परिवार बाद से पार्टी में नहीं स्वतंत्र एक युवा अभियान के रूप में काज कर रहा है और निरंतर जखन तक हम सब बनुआ मजदूर नहीं छे एक चीज क्लियर भ जाओ। अपने कोनो पार्टी में नहीं छे ऐ के मतलब ई भेलै कि राजपा मात्र रे कि और पार्टी सेहो ठक रहल छे मधेश के, मधेश के मूल त राजपा ठक रहल छे। वोट आहा के देल के ठके के अपेक्षा हम एमएलए से करबे, एमएलए के त चुनाव में बहिष्कार करके देखियो कि मधेशवादी दल यो जनता त सब के भेले ने नै मधेशवादी दल आहा के वोट ककरा देल मधेश के जनता वोट ककरा देल के अइ द्वारे देल के कहल कि तू केपी ओली गोली मरबेल को तोरा एमएलए ना केलको तोरा कांग्रेस होना केलको जे संविधान में साइन केलको तेकरा तू हरो विमलन निधि अथवा मानि जो बहुते व्यक्ति जो संविधान में साइन केलो तेकरा वोटे नहीं दे मगर तेकर बाद की भेल छे तो मधेसी जनता अहाँ के वोट दिलक सम्मान के साथ दिलक कि हमर अधिकार ओतो तक पहुँचते मगर ओहिठाम जाके की करै छी उहे विद्याधेवी भंडारी के राष्ट्रपति पर करन जखन राष्ट्रपति बनो जाय छै त अहाँ ओकरा वोटिंग कऽ दै छियै केपी ओली सरकार के दल कहै छै हमरा सबके शक्ति नहि पुगै छै जते शक्ति नहि पुगले त अहाँ बाहर निकल जेती वॉकआउट करके निकल जाए तो बहिष्कार करके निकल जाए बाहर निकलबे तो ओहने हेते केना नहीं हेते अहाँ ठगे के बात छै गुलमला रहल छै ई तेलो बेचवा नाचो देखे के सिवाय एकर नौटंकी किछु नहीं छै। दोसर कह दै छै कि केपी ओली जे बुझै छै कि दर्जनों के शहादत देल गेलै नहीं नहीं दर्जनों के शहादत देल गेलै अहाँ कोन आधार से अहाँ लिखित सहमति ओकरा दऽ देली सरकार के कि जनता एहि दुआरे वोट देने रहै जनता के अगर केपी ओली के प्रधानमंत्री बनाबे में समर्थन करके रहते तो जनता अहाँ के देने रहते नहीं एमएलए के वोट जनता एमएलए के वोट के लिए बहिष्कार कल के विमलन निधि एहन दिग्गज नेता सब हरल के अइ दुआरे कि संविधान में साइन कयने रहे मगर वह व्यक्ति जाकर अखन की कके एलै तो ओहिठाम आत्मसमर्पण कके अबै छै ओहिठाम सत्ता और भत्ता के सीमा परिवारवाद के सीमा मधेशवादी दल किछु विजन नहीं छै। फेर देखबै अखन सत्ता में छै दू नंबर प्रदेश के तो संहिता के मतलब नहीं छै ओकरा अखन मध्यम मधेश सदा फन्ना चिन्हा हिंदुत्व के लागू करै छै मगर काला दिवस से मतलब नहीं रहले ने तो काला दिवस कहां सफल भेल के बात करी नहीं नहीं सफल कतो न्यूट्रल रह गेले सर सफल कतो भेल छे ने संविधान दिवस में ब्लैक आउट कते हद तक सफल भेले हम आहा एक पहिनहु देखने छी ब्लैक आउट जे जनता अपन खुशी से घर के बंद घर के बल्ब तक बंद केलके उ छत में जाके देखल के कि नहीं हमर अधिकार के बात है हम घर के बल्ब बंद करके छत में चल गेले मगर कल के दिन में बाइक प्रेशर बंद करबित रहिए मगर कते परसेंट जनता आके बंद केलक जनता का आक्रोश बढ़ रहा है अलगाववाद के बढ़ापा आंख दौ रहा है जखन तक मधेश के अधिकार के नाम पर आक्रोश कर रहा है। वो कारी दिवस जे कल मनाओल गेले मधेश के निदल से से असफल रहले से कर रहा है असफल रहले और डॉक्टर सिक्के राउत के कार्यक्रम बल के सफल रहले अइ दुआरे जहां के जनसहभागिता देखियो ना जनक चौक में देखने अभी आता मधेश के विभिन्न आठ जिला में देखने होबे ओकर सहभागिता देखियो आ एकटा व्यक्ति के सहभागिता देखियो कते के रूप में रहे की ऊर्जा के साथ उबायल छले मधेश की निदल के लोकप्रियता घट रहल छै से करल एकदम घट रहल छै अहाँ जन भावना अनुरूप काम काज नहीं कर रहल छै सत्ता अहाँ के शहीद के लाश पर सत्ता तक पहुँचलिए मगर अखन काज की कर रहल छियै मूल्यांकन देखियो कईटा शहीद परिवार के लेल अहाँ कथी सोच लिय कईटा घाइते के लेल मूल्यांकन भेल कईटा मुद्दा लागल अहाँ फिरता करबे लिय सोझे ओहि संविधान के कहै छी नहीं मानबे लेकिन ओहि संविधान के मातहत में सत्ता में केना छियै अहाँ के नैतिकता नहीं बनि रहल अहाँ दुधारी नीति लेबे वहाँ के धारे नीति कहिया तक देखे यहाँ जनता के कईटा के मुद्दा फिरता करबे लिए हम सुशील कर अखनो तारीख पर छी कहिया तक हम तारीख पर जीवित रह जनता के दोष कते जने एकटा बात कहै छी एकटा उदाहरण कहै छी एकटा उदाहरण कहै छी स्थानीय चुनाव में जे स्थानीय चुनाव है तहिया उपेंद्र यादव नेतृत्व के फोड़ो नेपाल कल के हम चुनाव में जेबे राजपा बहिष्कार कल के आखिर अल्टीमेटली सबसे बेसी सीट तो आखिर फोड़ो के भेटले चाहे प्रदेश के बात हुए फोड़ो के भेटले तो मतलब जब अहाँ हम जनै छिए जना अपने कहलिए कि नहीं मधेश केंद्रीय दल अगर ठक रहल छै जनता के तो ई बात जनता नहीं बुझै छै या नहीं जनता ई बुझै छै कि नहीं हम सब ठीक कर रहल छै की छै ना ई सब बनिया छै ई सब दुकानदारी चला रहल छै दुकान से सामान जहाँ जखन तक नहीं किनने छै तखन तक अहाँ के पता नहीं चलत तो ओकर चरित्र की छै वोट मांगे में मैथिली बाजि के घर घर में गेल रही है हम अहाँ के समुदाय के छी हमरा वोट दिय और कल जाके शपथ ले छी हिंदी में जनता केना विश्वास करते पहले तो हिंदी नहीं बजलिए अहाँ ना। दोसर कथी छै कि अहाँ समग्रता में देखियो ना समग्र एकटा मूल्यांकन करी तो उपेंद्र यादव के लाइन क्लियर छै हम संविधान के मानबे मगर किछ बुंदा से असहमति उ प्रश्न छै हम हुनको समर्थन नहीं करी छी मगर किछ राजपा के तुलना में किछ ईमानदारिता हुनका में छै मगर राजपा तो क्लियर रूप से छै एक घर के गार्जियन रहै छै तो एते मतभिन्नता रहै छै ओटा छोटा गार्जियन छै परिवार बाद से ऊपर नहीं उठ रहल छै व्यक्ति बाद से ऊपर नहीं उठ रहल छै सरकार के समर्थनो करब विरोधी वसे वह चीज में भ रहल छै फोरम तो क्लियर लाइन छै यो हम समर्थन करै छी मतलब करै छी
हम संविधान के अ धारा से असंतुष्ट छी, लेकिन ई की कह रहा जे पूर्ण लिखल से हो त संविधान दिवस नै मनोल के ने सरकार में छले त संविधान दिवस मनावक चाहि ने वहां के बहिष्कारों के रूप में नहीं गेले नै त उ न्यूट्रल रहना ही त ठीक रहै ने नै उ ठीक छै उ ठीक छै जनता साथे गद्दारी त नै कर रहल छै ना अहाँ सत्तो में रहबे कभी संविधान के नै मानै छी त अहाँ कोन आधार से अहाँ तलब लड़ रहल छियै टीएडीए कोन अनुसार से पाइब रहल छियै मतलब अपने की कह रहल छियै कि फोरम गद्दारी नै कर रहल छै फोरम किछ हद तक ईमानदार छै गद्दारी नै कर रहल छै से हम नै कहब पर किछ हद तक ईमानदार छै राजपा के तुलना में फोरम किछ हद तक ईमानदारता छै उनका भीतर में उहो पूर्ण रूप से ईमानदार छै से बात नै छै मगर 100% बेईमान छै राजपा हुनकर लीडर कथित रूप से मात्र छै परिचालित छै ओ जे व्यक्ति आयो जितेंद्र सोनल का व्यक्ति देखियौ ने वीरगंज में जाके काल जे अभिव्यक्ति देलकौ हिंदी में बजले मोहन ठाकुर हिंदी में बाजि रहल छै कि ओहिठाम भोजपुरी बाजि ओकरा ई सहानुभूति नै देबे के चाही कि हम तोहर प्रतिनिधित्व कर रहल छी हम तोहर भाषा ओहिठाम बजबो आई फोरम भीतर के बात कहै छी उमाशंकर अरगरिया इएह अहाँके धनुषा 2 नंबर क्षेत्र से जीतल निर्वाचित व्यक्ति उमाशंकर अरगरिया ओहिठाम जाके अहाँके देखबै अहाँके 10-12 बजे संसद में जे संबोधन केने छथिन अपन भाषा बजै छथिन मैथिली बजै छथिन हमहूँ सब सुनै छियै हमरा सबके लागि रहल हमर प्रतिनिधित्व भऽ रहल है लेकिन अहाँ की कह रहल छी जी बातचीत के क्रम जारी रखबै तऽ दर्शक वृन्द अखन ब्रेक लऽ रहल छी ब्रेक के बाद बातचीत के क्रम जारी रहत के सोच सोचनाइ जरूरी छै कि अखन जे वास्तविकता मधेश के जे मांग छलै तै मांग के कोन रूप में ई आवाज सिर्फ सिक्के राउत के नै छै अहाँ देखने हेबै जे 10 वर्ष से जनयुद्ध सँ जै बीच में अहाँ के माओवादी के माओवादी प्रति 14 आदमी ईमानदारिता पूर्वक अहाँ के सशस्त्र जनयुद्ध के शुरुआत जे केलकै तहू बीच में लोक हँसै कहे कि नहीं ई संभव नहीं है राजा देश में केना हट जेतै संविधान सभा के केना चुनाव हेतै प्रतिनिधित्व के जनप्रतिनिधित्व केना लागू भऽ जेतै मगर भेलै कि 10 वर्ष के जनयुद्ध से स्थापित भ के देखा दिल्कै कि राज्य सत्ता के झुका के देखलकै दोसर किसी के गजेंद्र नारायण सिंह मधेश के नाम पर जब संसद भवन में बजे तो धोती खोल दिल जाए ओकरा पे लोग हंसे मजाक उड़बे संभव नहीं छै से कहि कऽ वह अवस्था अखन सिक्के राउत के अवस्था में छै जतल राज्य पक्ष सोच जत गंभीरता से नहीं लो रहा है वो सोच नहीं रहा है कि कुन में जा रहा है देश की स्थिति डॉक्टर सिक्के राउत के मांग पर गंभीर हो पड़े राज्य एकदम पूर्ण तरह गंभीर हो पड़े नहीं तो देश देखियो सिक्के राउत के विजन किस क्लियर नहीं है राज्य हम समर्थन नहीं करी मगर छह कि तकर बाद हो किसी अलगावादी सोच ककरो निक लगे युवा स्तर में अहाँ ककरो कहियो कि तू पूजा करे जो वो नहीं करते मगर कहीं ढेबा फेंके जो तोर अधिकार के साथ एना भ रहा जते ओकरा भड़काऊ भाषण देवे तते अहाँ के प्रति लोग आकर्षण हो सिक्के राउत के प्रति अखन से भ रहा है ओ भड़काऊ भाषण दै छै लोक ओकरा प्रति जा रहल छै जबकि सत्यता नहि छै अलग मधेश मांग कर रहल छै अलग मधेश देश के जे मांग कर रहल छै ओकर की अवस्था भौतिक आधार की छै कोन आधार से अहाँ सम्पन्न कर लेबै ओकर क्षेत्रफल कते छै संभवे नहि छै ओ चीज मगर तकर बादो किछु किछु चीज सुनै मे नीक लगै छै ओकरा लगै छै 240 वर्ष 250 वर्ष जे शोषण में रहल छै मधेशी ओकरा लागि रहल छै कि हमरा वास्तव में मुक्ति अहिठाम से भेटत ओ आशा के केन्द्र बिंदु देख रहल छै अगर समय पर संविधान संशोधन कर एक व्याख्या नहीं करल जा रहा है एक समावेशता नहीं करल जा रहा है मधेश के तो शायद आवे वाला दिन में राज्य के लिए भी और कथित मधेशवादी के लिए भी एक बड़का दुर्घटना के रूप में सिक्के राउत अखन स्थापित भ रहा है सोचित पड़े संविधान संशोधन कर वास्तविकता मधेश के अधिकार संस्थागत हो पड़े तो डॉक्टर सिक्के राउत के तो ये है कि अगर मधेशी के अधिकार देल गेल रहते मधेशी संपन्न रहते मधेशी के संग कोनो विभेद रंग भेद नहीं रहते आई सिक्के राउत के जन्म सेहो नहीं होती ने एकदम नहीं होते ओ जे एकटा समस्या छले जी तो आब तो कम से कम समाधान कल जाए आब देश में लोकतंत्र चले ले से चाहि रहल छे आब के पुस्ता ने जी जी एकदम से ने भ रहल छे एमे राज्य के या कहीं मधेश के दल के हिनका सब के की करबाक चाहिए हिनका सब के सबसे पहिल अपन ईमानदारता प्रश्न होय के चाहिए सवाल की छे अहाँ कते गलती करबे राजनेता बन पड़े ईमानदार स्थापित करे पड़े अहाँ के कते बेर बेईमानी करबे अहाँ कहियो एमाले के साथ मिल के सरकार में जाए छे कोई माओवादी के प्रयोग में आबि के सत्ता में रहे छे अथवा विपक्ष में जाए छे कोई कांग्रेस के समर्थन क के सत्ता में चल जाए छे और सब बेर कहे छे गलती भ गेले 2 नंबर प्रदेश में 2 गते जे केपी ओली एले ओमे 3 टा सांसद अहाँ के बहिष्कार कर बाकी सांसद की करे छलियै ओहिठाम यौ 2 नंबर बात में कहे छे उहे राजपा के अथवा हाँ रसपे के छे सभामुख सरोज जी सरोज शाह कुमार यादव सरोज कुमार यादव सभामुख अहाँ के हुनका जखन वो एल के पी ओली जी अभी छथिन त एकटा चीज कहू 2 नंबर प्रदेश कतौ न कतौ शहादत से उस संसद बनल छे शहादत के संस्थागत क के उस संसद तक पहुँचल छे आ वो सभामुख छथिन हुनकर नैतिकता बनल छे कि देश के प्रधानमंत्री मधेशवादी दल के अथवा मधेश के मधेशवादी दल नहीं
मधेसी सहित जत चलिए तेकरा ओ प्रधानमंत्री से कम से फूल अर्पण माला अर्पण करब के चाहिए, एक मिनट मौन धारण करब के चाहिए। यो उहो नैतिकता बिसर जेबे, उ सहादत से संसद बनल छै और अहाँ सभामुख भेल छी। सबसे पहले प्रधानमंत्री के प्रमुखता में राखे के चाहिए कि शहीद के समझना होय के चाहिए, एक मिनट मौन धारण नहीं भेल छै कि मधेसी जीवा के चित्र नहीं दुखते। इस शहादत के मूल्यांकन के करो जैसे कहू, फोरम सरकार में छै, फोरम के मुख्यमंत्री छै, राजपा के सभामुख छै और सैकड़ों सांसद ओहिठाम बैसल रहै छै। कांग्रेस से माले सपेक्षा नहीं करू, मान गेलिए अहाँ के, मगर एक मिनट अहाँ मौन धारण नहीं करवा सकै छलिए। एक दू नंबर प्रदेश के दू नंबर संसद में अभी छै तऽ प्रधानमंत्री आयल छलै, फूल माला अर्पण करबैती है, दू शब्द शहीद प्रति आ बजबैती है, एक मिनट के समझाना राखि दैतिए, भेल छै की मतलब सिर्फ अहाँ वोट लेबे के लिए मधेसी के नाम भजेबे, शहादत के नाम भजेबे कि शहीद भेले गोली मरवा देलको, लेकिन जखन अहाँ सीट पर जाइ छी, नहीं जखन अहाँ सीट पर जाइ छी शहीद के मूल्यांकन कते कर रहल छी, ओहिठाम तो अपमान भेल छै ने शहीद के, यौ ओहिठाम वास्तविक शहादत के कखन मूल्यांकन होते जखन के पी ओली एलै, ओकरा अहाँ फूलमाला अर्पण करबैतिए, एक मिनट मौन धारण रखबैतिए और ओहिठाम समझना करती शहीद के, ओकरो लगती कि हमरा से गलती भेल ये, वास्तविक शहीद के आत्मा ओहिठाम जुड़ते, मधेसी युवा के बुझेते। अपने जेना कह रहा कि मधेसकिनी दल ई कल के उ कल के शहादत के अब मूल्यांकन कल के दबाव नहीं दिए सकल के विभिन्न किस्म के आरोप लगा रहा जना मधेसकिनी दल पर, तो 2063-64 से अखन तक के बात करी तो कतेक बेर मधेसकिनी दल सब जीतले ने जी, समय समय में आरोप तो लगे ने, जे आरोप ने अपने अखन लगा रहा छी उ 5 साल पहले लगे छले ने, पहले मधेस आंदोलन भेले तो यो ये बात कहल गेले, 8 बुदे सहमति कैल गेले, 22 बुदे सहमति कैल गेले, अहाँ देखियौ लिस्ट कैटा पूरा भेले, लेकिन आखिर अंततः फिर उहे मधेसकिनी दल प्रदेश में सरकार बनाबै छै। मतलब अगर जनता के पक्ष में अगर नहीं छै ई दल सब तो घूर घूर के इहे दल किया स्थापित होइ छै प्रदेश में। देखियौ मधेस वास्तव में कहबै तऽ एकदम उ स्नेह से भरल भूमि छै, माया से भरल भूमि छै मधेस। मधेस कठोर कहियो नहीं भेल छै, मधेस हर पीड़ा के छाती लगा के रखल के, अही शैली से मधेस में मधेसी जनता वही भूमि के मधेस भूमि के मधेसी जनता स्नेह से भर ले, उस देखल के जे नहीं वास्तव में किछ छै अपन संतान छै, गलती कल के एक बेर गलती कल के दोबारा चांस दिल के, दोबारा गलती कल के तबारा चांस दिल के, उ माया से नहीं मुक्त भ रहल छै। और दोसर कथी छै, एक तो माया से मुक्त नहीं भ रहल छै, दोसर जाल झेल में पड़ जाय छै, इ सब झुकियाबल चल जाय छै ओकरा लग। अहाँ देखने में बस बहुत संघर्ष बेर में चला चला हो मधेसी फन्ना चिन्ना गाना बजा दिलक, ई सब कर ताम झाम दे दिलक, ओकरा बुझाएल घर में गेल, ओकरा कनी पुल्हा पुसरा दिलक, मधेसी जनता ओतऽ ठका दे जाए छै। नहीं तो आप ओकरा वास्तविकता जे कहबे कहि रहल छी कि केनाहु तो के मतलब मोटिवेट कऽ लै छै चुनाव के में मधेसकिनी दल मोटिवेट नहीं कर रहल छै, ओकरा ठक लै छै बार बार, ओकरा ठकै जाइ छै, लेकिन आब नहि, ई 5 साल में बहुत चीज के स्कैनिंग हेतै, देखै छियौ परिवेश बदलतै। दुर्भाग्य कथी छै कि अहाँ के 63-64 के 62-63 के जन आंदोलन भेलै, नया नेतृत्व के स्थापित भेलै 7 दल और माओवादी के, तक 63-64 के मधेस आंदोलन भेलै, ओहिठाम नया नेतृत्व एलै उपेन्द्र यादव जी, तेकर बाद के जे आंदोलन सब भेलै तमे ई नेता सब भेलै, मगर ई 6 महीने के बंदी में नया नेतृत्व नहीं आबि सकलै। देखियौ नेतृत्व एलै, अपने युवा नेता छियै जी, कहियो इहो आवाज उठै छलै कि नहीं एहि दल सब कुछो नहीं होवे वाला है, आब तो कोनो युवा नेता सबके आगा बढ़ पड़ले होइ छै ने, एकटा मतलब नया नेतृत्व आ पड़ले तेन किसी के बात से उठत छलै ने, सी के राउत के कनी देर अलग कर दी तो एकटा युवा नेता ई मधेसकिनी दल से आबक चाहिए जे नेतृत्व संभाले, तेहनो किसी के बात से उठे छलै, एकटा नया किसिम के शक्ति आबक चाहिए जे मधेस के वास्तविक नेतृत्व कऽ सके, तऽ एहन किसिम के नेतृत्व किया नहि आबि रहल छै, जब ओहन बात छै तऽ बेर बेर किया इहे दल सब आबि रहल छै। देखियौ बेर बेर आबक पाछू बहुत बड़ा रीजन सब छै, भ की रहल छै मधेस भीतर में वास्तविक ओकर भावना के साथ लऽ जाके कतौ ने कतौ समर्थन और आत्मसम्मान के साथ खेलवाड़ छै, दर्जनों पे झूठा मुद्दा लागल छै, अखने एकटा नया नेतृत्व एलै ने यौ, लेकिन कतौ ने कतौ राजपा के बेईमानी के चलते ओ अखन जेल में छै, लक्ष्मण ओ लक्ष्मण थारू टीकापुर घटना के रूप में जे देखबै तऽ ओहिठाम एलै ने बहुते लीडर एलै, मगर छै कि तऽ ई ओ सब राजनीति में स्थापित नहि भऽ जाय, एकटा षड्यंत्र पूर्वक ओकरा पकड़ि के अहाँके रखने छै। कै बेर आवाज उठली संसद में, बाहर तऽ सभा में तऽ बहुते बड़ा आवाज उठै छै, कुशल नेतृत्व आबऽ से पहिने की होइ छै ओकरा गर्व में जे अधिकार सम्पन्न एकटा चेतना अबै छै, चाहे रेशम चौधरी के बात होय या लक्ष्मण थारू के बात होय, नहि हाँ किछु मे नया नेतृत्व आबऽ से पहिने ई सब तऽ राजनीति के माहिर माहिर खिलाड़ी छै, सब दिन सँ अहाँ एकर पृष्ठभूमि देखियौ, पृष्ठभूमि देखियौ, वे कांग्रेस से माले साहब महेंद्र यादव से माले साहब मोहन ठाकुर कांग्रेस से आयल, काल के दिन में हुआ एक एकटा चीज देखियौ ना कि गजेंद्र नारायण सिंह के साथे जब भेलै ओ की भेल छै, के केने रहै
आ संसद भवन में जो धोती खोल गए के खोलने रहे दोसर कथी छे युवा संघ 64 के जन आंदोलन में या मोहन ठाकुर के बड़ा टोली संयोजक माने गिरिजा प्रसाद कोइराला एकत कलम अधिकार देने रहे तो मोहन ठाकुर के व्यक्ति की आयल छली ओय समय में कि नहीं वो एना नहीं भ सकी एना में ना भ जते तो फिर ओकरा अपन स्वार्थ सुरति पूर्ति के लेल कांग्रेस परिचालन केने रहे कि अथवा अभी से तो फिर तकर बाद कहे छे अखन जाकी ईमानदारिता में छथिन मोहन ठाकुर एक पांच छोटा में के तुलना में किछ ईमानदारिता में बाकी की स्थिति देखियो की भ रहल छे परिवेश तो बदल जाए नया नेतृत्व तो आबे के प्रयास तो करे मगर कतन को झूठा मुद्दा लगा के फंसा के अथवा कोनो कोनो रूप में ओकरा प्लान कर के धकले के काज मात्र कर रहल छे नहीं तो कोई स्थापित नहीं होते होते देबे चाहि रहल युवा नेता अगर आबे के छे युवा नेतृत्व आबे के छे अगर ई नेतृत्व असंतुष्ट छी तब नहीं युवा नेतृत्व आबे के छे तो कोई जरूरी नहीं छे ने अही दल में साहब पड़ते संभव नहीं छे अब नया संघर्ष ये के चीज की सत्ता रूढ अखन जे काल के परिवेश बहुत चीज प्रष्ट के अलग दल बन सके अलग संगठन बन सके काल अहां के बहुत चीज प्रष्ट भेले काल प्रष्ट भेले जे सत्ता रूढ दल जे संघर्ष सत्ता तक पहुंचल छे तेकर उपस्थिति देखियो न कते छले और विद्रोही के कते उपस्थिति भ रहल छे लोक के कते जा रहल छे अहां के संघर्ष से नया नेतृत्व के स्थापित हेते और ऊर्जा मिलते और निकलते ओय ठाम से तो फिर मधेश का अधिकार वही समय तक नहीं मिलते जिस समय तक वास्तविकता लीडर ईमानदार नहीं होते और जब तक मधेश शांत नहीं हुई मधेश वही समय तक शांत नहीं बस गया जखन तक ओकर अधिकार संपन्न नहीं होते लीडर निकलते आज ई पांच साल के भीतर में जखन से सत्ता प्राप्ति के लिए सब गेल छे और सत्ता संचालन में कर रहल छे तेकर पांच साल के बाद परिवेश देखबे कि एकरा सबके जनता बहिष्कार करते तिरस्कार करते भगेते लखेटते और वही के जगह पर नया नेतृत्व स्थापित हेते नहीं हेते से बात नहीं है अखन बहुत संघर्ष बाकी है मधेशी जनता पूर्ण रूप से बुझ गेल छे कि ई कथित मधेश बाद के तरफ से एकरा सबूत अधिकार नहीं भेटते न भाषा संस्थागत भ रहल है न भेष संस्थागत भ रहल है न आके अपन भूगोल के पहचान भ रहल है न एकर नामांकन भ रहल है किछ नहीं भ रहल है नरेंद्र मोदी के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के विरोध कल के यहाँ के डिम्पल झा ओकरा राज्य मंत्री के रूप में बना दिल के अहाँ के राज्य मंत्री कहने कथी कौन सा मंत्री ऐसे कहने रहे हमर गांव से 250 बस आयल वो कल की नहीं आयल छो विरोध कल के राज्य मंत्री बना दिल के अखने देखियो मोदी अबै छै त एकोटा वार्ड अध्यक्ष अपन कपड़ा नहीं पहिरै छै एकटा कपड़ा वार्ड अध्यक्ष सब नहीं पहिरै छै राजपा हो या कांग्रेस हो या एमएलए से निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष सब नगर पालिका द्वारा देल गेल ड्रेस पहिर के अबै छै ओ भ्रष्टाचार नहीं छै ओहि द्वारे शहादत भेल छलै कि एकटा कपड़ा पहिर के एक पाहुन अबै छै तै में एकटा वार्ड अध्यक्ष के छाती फाद के पूछियो ककरो से अहाँ सब हमसे खुला आह्वान दै छी एकटा वार्ड अध्यक्ष कहि सकी कि हम अपन कपड़ा पहिर के गेलै मोदी के स्वागत में भ्रष्टाचार कोन तह तक से देखियो वो कौन तो के राजनीति कर रही सबसे देखियो तो लड़ाई के करा जोड़े लड़ाई के करा जोड़े मतलब ऐ जगह जे सत्ता छे स्थाई सत्ता जगह कहल जाए स्थाई सत्ता जोड़े लड़ा पड़ते पहले कि पहले अपने में लड़ाई को पहले तो अहाँ के अपना ईमानदारिता देखाबो पड़त जखन तक अहाँ अपना अपना कुशलता नहीं है क्या नहीं भरते 10-12 वर्ष भ गेले आंदोलन बेर बेर भरल छे मुक्ति एते जल्दी नहीं भेटे छे मुक्ति एते जल्दी नहीं भेटे छे वो शांतिपूर्ण आंदोलन से कहबे कि संस्थागत भ जाए हमर अधिकार एतेक संभव नहीं छे आके सैकड़ों वर्ष लाइक निरंतर चाहिए अखने नहीं निरंतर चाहिए लीडर ईमानदारिता जो समय तक नहीं हेतु जखन तक नया नया लीडर स्थापित नहीं होते कि हो अहाँ के तुलनात्मक रूप से जब जखन तक कम्पिटिशन नहीं हेतु तखन तक प्रश्न नहीं हेतु एक सिंगल रेस में एक दौड़ते तो फर्स्टे हेतु नहीं ओकरा साथे तो दूटा चाहिए तखन फर्स्ट सेकंड के डर लागल रहते अखन की स्थिति सब ठेकेदारी प्रथा ल लेने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में हम ठेकेदार छियो हम मधेश में जो कहूँ से हेतु किछ छैये नहीं एक सब लग झूठ के सिवा एक जाल झेल के सिवा एक सब प्रश्न नहीं है अखनो राज्य और ही से थे ना राज्य और से थे ना देखियो सर अखनो राज्य और मधेशवादी राज्य और मधेशवादी दल अगर सहमत में नहीं अबे छे अगर चेतना नहीं पूरी अबे छे तो काल मधेश कौन स्थिति में जेते तेकर मूल्यांकन अखन नहीं भ रहल छे ओ एते भीषण रूप एते जे कि सोच के अखन डर लगे छे अलगावादी सोच के स्थापित करो में राज्य कतौन कतौ षड्यंत्र कर रहा है वो देखा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने में किसी के राव के रूप में एक ही देखा रहा है कि अगर आत्मनिर्णय का अधिकार देवे तो अलग मधेश बन जेते संहिता अगर मजबूत कर दी स्वायत्ता अगर मजबूत कर दी तो अलग मधेश बन जेते मधेश फूटे के डर है तई रूप में अहाँ के सिके राउत कतौन कतौ राज्य से प्रचालित हो अथवा जे हुए हमारा वही के तरफ नहीं जाए सिके राउत के विचार सबसे सहमत नहीं है मगर कतौन कतौ मधेश के प्रति अन्याय है ई मांग मधेश के मांग के कमजोर कर रहा है संहिता कमजोर हेते सिके राउत के जो मांग है अलग देश के वही से संहिता कमजोर हेते एक अधिकार आत्मनिर्णय का अधिकार कखनो संस्थागत नहीं भ सके तै के लक अपन अपन शैली से अही देश में रह के हमरा संघर्ष क के अपन अधिकार लेवे के ये अही संविधान के मान के किछ धारा के संशोधन क के हमरा सबके अधिकार संपन्न बनाबे के ये आसमान से कोई आबि के हमरा सबके द देते से बात नहीं छै निरंतर बात छै कि एकटा कि संघर्ष सब दिन रहते अखने नहीं ई ईमानदार हेतु तखनो संघर्ष रहते अ द्वारे समग्र मधेश भीतर में 22 जिला के बात केने रहिए
आइन कहाँ कतौ धऽ देल 8 जिला में धोती फाड़ के रुमाल बना देने छै, रुमाल से कहै छै आब पूरा पोछबी त होते। ई वास्तविक मधेश के भूमि कते तक लछै से त सब बुझै छै। ई वास्तविक भूमि कहबै त मिथिला के छै, भाषा मैथिल होय पड़ले मगर ई सब कहै छै मधेश होय पड़ले। भाई तू 22 जिला ले न, हमसे स्वीकार कर लेबै मधेश, मगर ई 8 जिला जे भोजपुरा मिथिला के रूप में छै तकरा मधेश केन्द्रित कहि रहल छियै, मधेश कथित मधेश के रूप में ओकरा स्थापित कर रहल छियै, नामांकन करे के पक्ष में छियै, ओ छैये नहि मधेश। ई 8 जिला त मिथिला भोजपुरा के छै, एटा मैथिल भोजपुरी भाषा होय के चाही, एटा के हिंदी में बुझै छै। अंत में सेहो चीज आयल छी, दोसर बात एक और चीज देखियो कि एकर सबके हिंदी संप्रेषण जे छलै अभिव्यक्ति ओकरा हमरा नहि कहै के चाही, देशी कुत्ता बिलायती बोली के रूप में जे छलै तेकरा हमसब इहे राजपा और फोरम के पुतला दहन क क हमसब देखेलिए। आइ जाकर देखियो कते लचकता आयल छै, हमर सबके संघर्ष से ही अहाँके बोली परिवर्तन भेल छै। और अखन मुख्यमंत्री लगाए जते मंत्री छै कुछ राजपा के छोड़ कर उस अहाँ के मैथिल बाजे के शुरू कयने छै, अहाँ मैथिली बोलू कि नेपाली बोलू, हिंदी नहीं चलते आप एहिठाम मिथिला भूमि में कते दिन तक अहाँ छल कपट से चलते हो। एहिठाम अखने संस्थागत नहीं हेतै, मधेश के नाम पर अखन कह रहल छियै, काल मिथिला भोजपुरा के नाम पर संघर्ष हेतै, मधेश भूमि कखनो शांति नहीं भौतिक स्थिति से जी। आब अंत में चल छी, देश मधेश जी एकटा सफल नेतृत्व आवे नहीं, जेना एकटा छवि अपने कहली कि ओहन किस्म के नेतृत्व चाही, डॉक्टर सीके राव जका अभियान के बात छोड़ दल जाए, अभियान की से वो बात छोड़ दल जाए, एक ओहन किस्म के एक छवि जो राजनेता में होक चाहिए, एक गुण होक चाहिए जी, तो ओहन किस्म के नेतृत्व केना आते जैसे कि मधेश एक सबल क्षेत्र बने। कुछ देखियो, सबसे पहले तो लीडर की चीज बुझ पड़े कि संघर्ष जायज से जारी रह के चाहिए, मगर संघर्ष से क्षति नहीं हुई, जखने क्षति हेतै तो हमारे अहाँ के समान के क्षति है, राज्य के किछु नहि जेतै, राज्य गोली में परकेतै, छानबीन बनतै, ओकर कतौ तक छानबीन होइ छै से लाल आयोग के प्रतिवेदन कतौ सार्वजनिक नहि भेल छै, 9 महीना बुझेला भऽ गेल, ओ दर्जनो एहन प्रतिवेदन सब हेतै जे राज्य के दराज में बंद हेतै। तऽ कुशल नेतृत्व के लेल अधिकार शांतिपूर्ण आंदोलन से संस्थागत होय, और ओहि समय तक जखन तक अधिकार नहि भेटै छै तखन तक संघर्ष रहे, संघर्ष के मतलब अर्थ ई नहीं भेलै जे ओहिठाम आत्मसमर्पण होय, नेतृत्व में एकटा त्याग आबे पड़लै, तलब भत्ता सत्ता परिवार के मुखी नहि बनि कऽ समग्र जे 2 नंबर प्रदेश के जे जनता छै हुनकर जनता छै, हुनकर समान छै, एहि प्रति सचेत रहि कऽ संविधान संशोधन के लिए वास्तविकता ईमानदारिता के साथ संसद में आवाज उठाकर एकर से पहले शहीद के याद करबाक एकदम पूर्ण रूप से शहीद के सम्मान के बिना किछु कहि नहि सकै छी, कारण छै कि अहाँ ओतऽ तक पहुँचल छी, तू शहीद के शहादत से पहुँचल छी, अहाँ के शहादत नहि, कैटा के नेता के बेटा मरल छै, कैटा के परिवार घाइते भेल छै, कैटा के नेता मारि खेने छै, एकटा रंजन महतो के कपार फुटने तू दुनिया भर के एकटा न्यूज बनै छै, लेकिन निकू यादव मरै छै तऽ एहिठाम तक सीमित रहि जाइ छै, और 2 नंबर प्रदेश में एकटा 1 मिनट के समझनो नहि करै छै प्रधानमंत्री अबै छै, तऽ एहिसे तऽ नहि भेटतै न। कुशल ईमानदारिता प्रश्न होइ पड़लै, ईमानदारिता पूर्वक नेतृत्व के स्थापित होइ पड़लै, और आब मधेश से बेसी मधेश प्रति के जे स्थिति छै अहाँ 22 जिला में संघर्ष चालू, नहि तऽ 8 जिला मधेश नहि छै, 8 जिला मिथिला छै, भोजपुरा छै, 22 जिला जँ लै छी तऽ हमरा सबके स्वीकार्य अछि, संपर्क भाषा स्वीकार्य भाषा, 22 जिला जँ अगर लै छी तऽ हिंदी भाषा हमसब स्वीकार्य करै छी संपर्क भाषा के रूप में, जँ अगर 8 जिला में केन्द्रित करै छी तऽ एहिठाम मिथिला रहतै और मैथिल रहतै, भोजपुरा रहतै और भोजपुरी रहतै, ओहि के लेल अहाँ मनोस्थिति में तैयारी करू, नहि तऽ एहिठाम के युवा आप संघर्ष के कोनो भी एहन तरीका नहि बाकी रखतै, जै शैली से कांग्रेस एमाले के बहिष्कार कऽ के अहाँके चुनाव में अहाँके प्रतिनिधित्व करबेल कऽ, काल के दिन में इएह जनता अहाँके अहू के बहिष्कार कऽ के कुशल नेतृत्व स्थापित ओहिठाम करबेटा करते, समय परिमार्जन भऽ रहल छै, परिवर्तन भऽ रहल छै, मधेश में एकटा कुशल राजनेता आवे एकदम संभव छै जी, संघर्ष सबके जोड़ के राखे, देश के प्रतिनिधित्व करे जी, देश के प्रतिनिधित्व करे, विखंडन के नहीं, हमसब विखंडन के पक्ष में नहीं छी, अखनो फिर से कही कि हमसब सीके राउत के कुशल नेतृत्व से खुश छी, सहमत छी, मगर हुनकर जे मांग छै तै से सहमत नहीं छी जी, हुनकर मांग से सहमत नहीं। दर्शक बिंद ओछलैथ सुशील कर्ण, युवा नेता, अधिकार कर्मी कहे या राजनीति कर्मी कहे, आई बात करै छलिए जे अखनका पछिला राजनीतिक घटनाक्रम छै, काल्हि जेनाकि कारी दिवस मनाओल गेलै आ विभिन्न ठाम विरोध सभा सब भेलै, काल्हिके दिन केहन रहलै, आबके राजनीतिक घटनाक्रम केना के आगा बढ़तै, एहि विषय सबमे बातचीत करै छलिए, व्यस्त नमस्कार।